अगली पंक्ति विच गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे रोवै पांडव पए मजूर जिन कै स्वामी रहत हदूर। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे पांडव मजूर बन के रोए। मजूर का मतलब हुंदा साध संगत मजदूर, यह फारसी भाषा का शब्द है। जिहड़ा मुजद करन वाला, उजरत करन वाला, भाव मजदूरी करन वाला, मेहनताना लेके कम करन वाला, उन्हूं आखीदा मजदूर। ते सतगुरु गुरु नानक साहब कहिंदे पांडव मजूर बने। यह मजूर उदों बने साध संगत पहलां ते इन्हां ने जुआ खेडिया। जुआ जिहड़ा है ना, जुए का मतलब हुंदा है साध संगत, यह ऐसी खेड है जिहदे विच हार जित हुंदी है। ते हारन वाले नूं धन देना पैंदा है ते जितन वाले नूं धन मिलदा है। मतलब जुआ ऐसी खेड है जिहदे विच धन पदार्थ दे हारन जितन दी बाजी लगदी है। ते साध संगत सच्चे पातशाह दी बाणी दे विच इहदा जिक्र आउंदा है कि इह वी मनुख नूं लग्गा होया इक रस है। इस रस दे वस वस पै के मनुख जुए नूं खेडदा है। जिवें नशा, नशे की लत, इस तरह जुए की भी लत लग जाती कई। रब ना करे किसी जुए की लत लगे। गरीब नवाज की बाणी च जिक्र है जुए जन्म न कबहू हार। जुए दे विच हार ही हमेशा पल्ले पैंदी है, जवारी कदे बनता नहीं। सो इस करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने इनू बाणी दे विच एक बचन आउंदा है ज्यों जुआर बिसन ना जाए। बिसन का मतलब हुंदा है आदत, भैड़ी आदत, खोटी वादी। गुरु साहब कहिंदे जिवें जुआरीए दी जुआ खेडण दी भैड़ी आदत दूर नहीं हुंदी। ज्यों जुआर बिसन ना जाए हर नानक इहो मन लाए। एक बचन है भाई गुरदास साहब का, साध संगत तो भी सरवण कर लईए, फिर आपां अगले इतिहास की विचार शुरू करांगे। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का बचन है, उन्हों का कवित है। आप जी फरमाते ने जैसे पोस्ती सुनत कहत पोस्त बुरो ताके बस भयो छाडो चाहे पै ना छूटाई। पोस्त, पोस्त का मतलब हुंदा है साध संगत भुक्की। ये जिहड़ा जिहड़ी खसखस है ना, जदों इहनूं बीजीए तो जिहड़ा बूटा बनता है वह बूटे के उत्ते एक डोडा जिहा लग जांदा, उहदे विच्चों दुध निकलदा, उहदी ते बनदी फीम। बाकी जिहड़ा साध संगत वह फल लगदा उपर पोस्त दे, उहनूं रगड़ लैंदे ने भुक्की, उहनूं कहिंदे ने उह खाधी जांदी। आप नूं पता होणा है साध संगत ते जिहड़ी भुक्की है ना, पोस्त खाणा, पोस्ती होणा। भाई गुरदास साहिब जी कहिंदे ने पोस्ती खुद कहिंदा, भुक्की खाण वाला अमली खुद कहिंदा भी यह नशा बड़ा माड़ा है। पुराने समय तो बजुर्ग जिहड़े ने भुक्की जां फीम खांदे आए ने अक्सर भारत विच जां पंजाब दे विच अपने वड्डे वडेरे साध संगत जी। पर आ जिहड़ा नशा ना चिट्टे का नशा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। खैर वो तो भुक्की खा के कम करते होंगे सन, पर नशा यह भी माड़ा है। भाई गुरदास साहब कहिंदे पोस्ती खुद कहिंदा भी पोस्त बड़ा बुरा है, पर उन्हूं छड़ नहीं हो सकता क्योंकि उस पोस्त दे वस पै जांदा है। अगली पंक्ति है भाई साहब कहिंदे जैसे जुआ खेल बितहार बिलखै जुआरी तऊ पर जवारन की संगत ना टूटाई। ये जुए की लत लग जानी, जुए की वादी पै जानी, ये भी बड़ी माड़ी है। जुआरी नू जिस तरह जुआरी अपना सारा कुछ हार जांदा है, पर जुआरियां दी संगत नहीं छड़ सकदा। सो इस करके जुआ खेडना बड़ा माड़ा है। साध संगत इन्हां ने जुआ खेडिया कौरवां ते पांडवां ने रल के। शकुनी जुआ खेडण विच बड़ा माहर सी, इह कौरवां दा मामा सी, गंधारी दा भाई। इन्हें ही युधिष्ठर नू जुए दे विच पांडवां नू हराया सी। खैर पांडवों के पांडव जुए दे विच सारा कुछ हार गए। अखीर नूं अपनी घरवाली द्रौपदी नूं भी दाव उत्ते ला दिता, उन्हूं भी हार गए। तो साध संगत जुए दे बल फलस्वरूप 12 वरियां का बनवास
इन्हां ने कटना सी पांडवों ने। तो इस तरह नाल तेरवां जिहड़ा साल है ना वो छुप के कटना सी। तो जे तेरवां साल दुर्योधन जां उहदे आदमियां तों किते ये पांडव तुरे फिरदे पछाणे गए तो फिर 12 साल उन्हां नूं होर बनवास कटना पैणा सी। इस करके 12 साल जदों बनवास दे पांडवों ने कट लए तो 13वें साल पांडवों ने ते द्रौपदी ने भेस वटाया ते साध संगत राजा बराट जिहड़ा होया है, राजा बराट उदयपुर रियासत दा मालक होया है, इतिहास विच इहदा जिक्र है। राजा बराट जिहड़ा उहदे दरबार विच भेस वटा के पंजे पांडव ते द्रौपदी हाजर होए। युधिष्ठर राजे दे नाल पासा खेडण दी नौकरी करन लग पिया, मजदूर उत्थे बणे ने। जिहड़ा गरीब नवाज गुरु नानक साहिब ने कहा ना कि मजदूर बन के पांडव रोए दुखी होए। ये जदों बनवास का 13वां साल आया वो उस वक्त का बाबा नानक साहब ने जिक्र किया। साध संगत युधिष्ठर लग पिया राजे दे नाल पासा खेडण, उन्हूं यह नौकरी मिली सी। ते ये जड़े पंजे पांडव इन्हां विचों दूसरा भीमसैन वो बराट राजे की रसोई विच रसोईए का कम कर लग पिया। जिहड़ा साध संगत अर्जन किन्ना सूरमा होया वो ही जड़ा बन गया, खुसरा बन गया ते राजकुमारी नूं नचना गाउणा सिखाउण लग पिया। जिहड़े दो ना साध संगत इन्हां दे भरा नकुल ते सहदेव, इन्हां दा जिक्र इउं आउंदा वी इन्हां नूं घोड़शाला ते गऊशाला दे विच देखभाल दा कम मिल गया। इस तरह पंजे पांडव मजदूर बने सन। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜ਼ੂਰ। ਮਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਬਰਾਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰੰਦਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੈਣ ਬਣ ਕੇ ਕਰਤਵ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। द्रौपदी की जिहड़ी सुंदरता है ना उहदे उत्ते मोह तो गया कीचक। कीचक जिहड़ा इतिहास विच दो नावां नाल इहनूं इहदा जिक्र आउंदा, कीचक भी जिक्र आउंदा, क्रीचक भी जिक्र आउंदा। जिहड़ा राजा बराट सी उदयपुर रियासत दा मालक, उहदा इह साला सी ते सैनापति सी, सैना दा मालक सी। इह साध संगत जदों मोह तो गया कीचक ते उहने द्रौपदी नूं अपने महलां च बुलाया। इस तरह नाल साध संगत इहनूं हासी भी कीती, इस तरह भी जिक्र आउंदा हसिया, जिस वक्त मजाक कीता हसिया। ते साध संगत वह जिहड़ी द्रौपदी है वह आई भज्जी भज्जी सभा दे अंदर, सभा दे विच्चों ही उहने आके फड़ ली, क्योंकि जिहड़ा कीचक राजा है वह इन अपने आप मालक समझदा अपने आप नूं, ते मजदूर बने हुए सन। फिर साध संगत पांडव जिहड़े हन इन्हां विचों अर्जन आदिक जिहड़े सभा च बैठे हुए सन, उत्थे कहिंदे इन्हां दे नेत्रां दे विचों जल डिग्गिया भावे रोए। फरीदकोटियां दे टीके विच इहदे अर्थ इउं लिखे हुए ने। ते बोले ना क्योंकि प्रगट हो जाण दा डर सी, इस करके द्रौपदी दे विरलाप दे उपर उहदे विरलाप दे करके जिहड़े पांडव सन उहनां दीआं अखां विचों अथरू आए सन। ते बाबा नानक साहब कहिंदे रोवै पांडव भए मजूर। फिर साध संगत भीमसैन गया रात दे समय, द्रौपदी ने जदों उन्हूं सारी गल दसी ना चोरी छिप के, ते भीमसैन गया जिहड़ा बहुत बली सी मूँह अपना लपेट के, ते नियत कीते हुए महल दे विच गया जिथे कीचक सैनापति ने द्रौपदी नूं सद्या सी। फिर भीम ते कीचक की लड़ाई हुई है जिहदे विच कीचक मारिया गया। इस तरह यह गाथा है इन्हां दी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने यह साध संगत जिहड़ा वाकिया इस संदर्भ दे विच अपनी बाणी दे विच लिखिया, जिथों बाबा नानक महाराज सच्चे पातशाह जी दे डूंगे ते विशाल अध्ययन दा पता लगदा है। गुरु नानक साहब इस पंगती ज्यों फरमाउंदे ने, रोवै पांडव भए मजूर जिन कै स्वामी रहत हदूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। इहदा मतलब पांडव जिन्हां दे कोल कृष्ण जी।
ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।